आज हम बात करेंगे फोर आर्म की लेटरल बोन रेडियस के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं फोर आर्म में दो स्पेसिफिकली बोन हमें मिलती हैं, मीडियली हमें मिलती है अल्ना और लेटरली हमें मिलती है रेडियस। तो आज की हमारी बोन है रेडियस। रेडियस नॉर्मली लेटिन वर्ड रेडियोन से निकलता है और जिसका अर्थ होता है रॉड। तो इसको रॉड बोन भी कहा जाता है। इसको हम क्या दूसरे नाम से बोलते हैं, रॉड बोन, इसे रॉड बोन भी बोलते हैं। तो आज हम रेडियस को स्टडी करते हैं। रेडियस को नॉर्मली स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इसका अपर एंड, एक इसका लोअर एंड और एक इसका जो मिडिल पोर्शन है उसको लेते हैं। तो अपर एंड इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इसके एंड्स हो गए, एक इसका अपर एंड हो गया, एक इसका अपर एंड हो गया, एक इसका लोअर एंड हो गया, एक इसका हो गया लोअर एंड। तो अपर एंड लोअर एंड। अब अगर हम लिम्स को स्टडी करते हैं तो लिम्स में हम लोग प्रॉक्सिमल डिस्टल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम प्रॉक्सिमल एंड भी बोल सकते हैं, इसको हम डिस्टल एंड भी बोल सकते हैं। और एक हो गया इसका मिडिल पोर्शन जिसको हमने कहा शाफ्ट। तो अपर एंड लोअर एंड एंड शाफ्ट इसको हम यहां लिख सकते हैं। इसको हमने लिख दिया प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड, ये हो गया डिस्टल एंड, डिस्टल एंड, और इसका जो मिडिल पोर्शन है ये वाला, इसको हमने कहा शाफ्ट। तो प्रॉक्सिमल एंड, डिस्टल एंड एंड शाफ्ट, तो तीन पोर्शन में हम इसको डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। एक बार हम इसको देखते हैं एक्चुअल बोन के साथ कि हम इसको तीन पार्ट में, तीन पोर्शन में किस तरीके से समझ सकते हैं। ये रेडियस बोन है, तो इसमें जो आप बिल्कुल नज़दीक की साइड देख रहे हैं ये इसका लोअर एंड है, और जो दूर की साइड देख रहे हैं वो इसका अपर एंड है, और दोनों, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है वो शाफ्ट कहलाएगा। तो इसमें तीन पार्ट हो गए, लोअर एंड, अपर एंड और शाफ्ट। हमने एक्चुअल में पोर्शंस देखे इसके क्या क्या होते हैं। अब हम एक एक पोर्शन को लेते हैं और उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपर एंड को। तो अपर एंड को एक मैं और डायग्राम के थ्रू आपको यहां थोड़ा सा इसको बता दूं अच्छे से। इसका जो अपर एंड है उसमें सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलेगी, वो मिलेगी इसका हेड। और हेड का स्ट्रक्चर लगभग इस तरीके का होता है, यानी ये हेड के चारों तरफ एक राउंड शेप मिलता है। तो इसको हेड को हम समझ सकते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन हम बता सकते हैं। ये ऊपर से कॉनकेव होगा, हेड ऊपर से कॉनकेव होगा, कॉनकेव किस तरीके से, कप लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है इस तरीके का। तो ये हेड ऊपर से कॉनकेव होगा और नीचे ये जो इसका सर्कमफ्रेंस है हेड का, इसको क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, ये हो गई सर्कमफ्रेंस। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो सर्कमफ्रेंस जो हेड आर्टिकुलेट होगा वो होगा कैपिचुलम के साथ, ह्यूमरस के कैपिचुलम के साथ आर्टिकुलेशन होगा और एल्बो जॉइंट में। और उसके बाद ये जो आर्टिकुलेशन होता है वो होता है अल्ना बोन के साथ, और इसके साथ एनुलर लिगामेंट्स लगे रहते हैं। तो एनुलर लिगामेंट अल्ना बोन के साथ इस तरीके से लगे रहेंगे कि आप इसको समझ सकते हैं, ये अल्ना बोन है, ये रेडियस बोन है। तो इसके साथ इस तरीके से इनका आर्टिकुलेशन होता है, तो ये मूवमेंट भी कर सकते हैं, इस तरीके से इनका मूवमेंट भी हो सकता है, और साथ में ये बॉन्डिंग करते हैं एक तरीके से अल्ना बोन के साथ में। ये जो इसका नीचे का पोर्शन है, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन है, इस पोर्शन को हम नाम देंगे नेक। ये जो पोर्शन है ये हो गया नेक, इसको कहेंगे नेक। तो ये ऊपर हेड हो गया, ये इसका सर्कमफ्रेंस हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड, और ये नीचे का कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन हो गया इसका नेक। इसके साथ साथ में एक हमें ट्यूबरोसिटी देखने को मिलती है, ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूबरोसिटी हमें देखने को मिलती है ये वाला, और इसको हम नाम देते हैं
रेडियल ट्यूबरोसिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो ये हो गया इसका रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो हमें मेनली अपर पार्ट में तीन चीजें देखने को मिली, एक हमें हेड मिला, एक इसका सर्कमफ्रेंस मिला, नेक मिली और रेडियल ट्यूबरोसिटी मिली। अब एक्चुअल बोन के साथ हम देखने की कोशिश करते हैं कि हेड, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी किस तरीके से हमें एक्चुअल बोन में दिखती है। ये इसका पोर्शन है हेड का, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो हमने कहा हेड का, और इसके साथ ये सर्कमफ्रेंस हो गया जो हेड का सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड हमने बोला है, ये हेड का सर्कमफ्रेंस एरिया हो गया। और इसके साथ ही ये जो नीचे का पोर्शन हम देख रहे हैं ये नेक आ गया, इसको हम बोलेंगे नेक। तो ऊपर हेड, हेड ऑफ द सर्कमफ्रेंस, और ये नेक, और इसके नीचे ये जो पोर्शन है आप यहाँ से इसको इजीली समझ सकते हैं, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो ये हो गई रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो हमें यहाँ से भी आप इसको देख लीजिए, तो ये क्लियरली आपको एक उभार नज़र आएगा जिसको हम बोलेंगे रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो ये हमें हेड, सर्कमफ्रेंस, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये चारों पोर्शन हमें देखने को मिले। तो हमने देखा कि रेडियल बोन का अपर पोर्शन जिसमें हमने हेड, इसका सर्कमफ्रेंस, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी देखी। थोड़ा सा इनके बारे में हमें एक दो चीजें और पता होनी चाहिए। हेड आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के कैपिचुलम के साथ। ये जो जॉइंट बनाता है, ये जॉइंट हमारा एल्बो का, क्योंकि एक पार्ट होता है पूरा एल्बो जॉइंट नहीं बनाता, तो एल्बो का ये रेडियो ह्यूमरल जॉइंट फॉर्मेशन करता है, इसको हम कहेंगे रेडियो ह्यूमरल जॉइंट। तो हेड जो है वो रेडियो ह्यूमरल जॉइंट बनाएगा ह्यूमरस के कैपिचुलम के साथ में मिलकर। दूसरा, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, ये सर्कमफ्रेंस में आपने जब हम अल्ना की स्टडी करते हैं तो ये सर्कमफ्रेंस जाकर के मिलता है अल्ना के साथ में, और सुपीरियर रेडियो अल्नर या प्रॉक्सिमल जिसको हम कह देते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट, ये फॉर्मेशन करता है। इसको थोड़ा सा एक देखने की जरूरत है, इसको हम इस बोन के साथ देखते हैं। ये लेटरल होती है और अल्ना मीडियल होती है। तो अल्ना का पोर्शन थोड़ा सा हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कलर हम देते हैं ताकि समझ में आए चीजें। ये एक तरीके से ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये सर्कमफ्रेंस का जो मीडियल पोर्शन है, ये मीडियल पोर्शन अल्ना बोन के साथ मिलता है, और अल्ना बोन के साथ मिलकर के ये बनाता है सुपीरियर सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट आप इस पोर्शन में देखिएगा, एक तो हमारा हो गया एल्बो जॉइंट और एक हो गया सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो अगर हम दोनों जॉइंट लगभग पास पास हो गए, तो दोनों जॉइंट को अगर एक साथ हम नाम देना चाहें, एक साथ में इनको हम बोलते हैं, और उसको हम कहते हैं क्यूबाइटल जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, क्यूबाइटल जॉइंट। तो क्यूबाइटल जॉइंट अगर आपसे पूछा जाए क्यूबाइटल जॉइंट कहां होता है, मीन्स एल्बो जॉइंट प्लस सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ये दोनों मिलकर के क्यूबाइटल जॉइंट बनाते हैं। इनका मेम्ब्रेन भी एक ही रहता है, वो किसी और चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो जॉइंट है इसको हमने कहा क्यूबाइटल जॉइंट। इसका मीडियल जो साइड है वो मीडियल साइड अटैच रहता है अल्ना के नोच के साथ, ठीक है। अब इसका जो बाकी जो एरिया होता है, जिसमें कौन सा हो गया इसका एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल,
तो एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल के साथ एनुलर लिगामेंट जुड़े होते हैं, एनुलर लिगामेंट। तो इस सर्कमफ्रेंस का जो मीडियल एंड है वो जॉइंट करता है अल्ना के साथ में, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है, और जो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल जो पार्ट है वो एनुलर लिगामेंट से बाउंड रहता है। तो इसके चारों तरफ एनुलर लिगामेंट्स रहते हैं जो यहीं इसके साइड में आकर के इन एक साइड दोनों साइड यहां आकर के अटैच हो जाते हैं, तो उसके बीच में ये रेडियस बोन मूव करती है, राइट। ये इसका हो गया सारा का सारा अपर पोर्शन। अब हम आते हैं इसके एक अपर पोर्शन में एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं, इसका जो ट्यूब्रोसिटी होता है जिसको हमने कहा रेडियल ट्यूब्रोसिटी, तो रेडियल ट्यूब्रोसिटी के पोस्टीरियर पार्ट में थोड़ा सा एक रफ फेस होता है, वहां पर बाइसेप्स ब्रेकाई का इंसर्शन होता है, यहां पे पोस्टीरियर साइड में बाइसेप्स ब्रेकाई का इंसर्शन होता है। तो अपर पोर्शन में जो हमें चीजें देखने को मिली, एक बार हम उसको पूरा रिवाइज कर दें ताकि अपर पोर्शन हमारा क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड, हेड के साथ सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड, सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड से नीचे रेडियल ट्यूब्रोसिटी, दो चीज। हेड आर्टिकुलेट होता है ह्यूमरस के कैपिचुलम के साथ और बनाता है ये रेडियो ह्यूमरल जॉइंट। इसका जो सर्कमफ्रेंस का मीडियल पोर्शन है वो आर्टिकुलेट होता है अल्ना नोच के साथ और ये बनाता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। एल्बो जॉइंट और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट दोनों को मिला करके हम बोल देते हैं क्यूबाइटल जॉइंट। इसके अलावा जो इसका रेडियल ट्यूब्रोसिटी है, रेडियल ट्यूब्रोसिटी के पोस्टीरियर पार्ट में बाइसेप्स ब्रेकाई का इंसर्शन होता है। क्या होता है? इंसर्शन, बाइसेप्स ब्रेकाई का इंसर्शन। तो ये हमारा पोर्शन हो गया अपर पार्ट का। अब हम अपर पार्ट के बाद अब स्टार्ट करते हैं इसका शाफ्ट का पोर्शन। तो शाफ्ट का पोर्शन जब हम देखते हैं तो शाफ्ट में हमें, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, शाफ्ट का जो पोर्शन है, शाफ्ट के पोर्शन को हम बॉर्डर और सरफेसेस में पढ़ते हैं। तो इसके तीन बॉर्डर्स होते हैं, तीन बॉर्डर्स कौन कौन से हो गए, एक वो बॉर्डर जो एंटीरियरली हमें इसका दिखता है तो उसको हमने क्या नाम दिया, एंटीरियर बॉर्डर। एक बॉर्डर जो इसके बिल्कुल पीछे की साइड में होता है उसको हमने कहा पोस्टीरियर बॉर्डर, और एक बॉर्डर होता है जो मीडियल साइड के अंदर होता है, यानी मीडियल साइड कौन सी, जिस साइड में अल्ना आर्टिकुलेट होती है वो मीडियल साइड हो गई। तो एक बॉर्डर होगा इसका मीडियल बॉर्डर। तो इसके तीन बॉर्डर हो गए, एंटीरियर बॉर्डर, पीछे वाला पोस्टीरियर बॉर्डर, और मीडियल साइड में जिस साइड में अल्ना से इसको आर्टिकुलेट होना है वो इसका मीडियल बॉर्डर। इसी तरीके से हम पहले आपको तीनों बॉर्डर दिखाते हैं, उसके बाद में फिर हम बॉर्डर का डिस्क्रिप्शन करते हैं ताकि आप बॉर्डर को अच्छी तरह से समझ सके। ये रेडियस बोन का एंटीरियर बॉर्डर जो आप ऊपर देख रहे हैं रेडियल ट्यूब्रोसिटी से, ये साइड में होता है और साइड से सीधा ये इसके स्टाइलॉइड प्रोसेस की तरफ चला जाता है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो ये इसका पूरा का पूरा बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर कहलाता है। एंटीरियर बॉर्डर के बाद हम बात करते हैं, ये इसका मीडियल बॉर्डर है, इसको ये बिल्कुल शार्प होता है और ये ट्यूब्रोसिटी से जस्ट नीचे की तरफ निकलता है, और ये अल्नर ट्यूब्रोसिटी जो नीचे अल्नर नोच है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर को बनाता है। तो ये पूरा का पूरा आपका जो बॉर्डर है वो मीडियल बॉर्डर कहलाता है। तीसरा इसका होगा पोस्टीरियर बॉर्डर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर आपको मिडिल पोर्शन में ज़्यादा बेटर तरीके से देखने को मिलेगा, ऊपर क्योंकि राउंडेड होता है और नीचे भी इतना क्लियर नहीं है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर आपको जो मिडिल वन थर्ड एरिया है उसी में आपको बेटर तरीके से देखने को मिलता है। तो ये इसके तीन बॉर्डर्स हो गए। तो हमने तीन बॉर्डर्स देखे, अब हम एक एक बॉर्डर को यहां देखने की कोशिश करते हैं।
जो आपका रेडियल ट्यूब्रोसिटी है, इस ट्यूब्रोसिटी से ये एक बॉर्डर बनता है, जो नीचे ये जो प्रोसेस है स्टाइलॉइड प्रोसेस तक जाता है, ये यहां पे ऑब्लिक चलता है और उसके बाद में ये वर्टिकल हो जाता है, यानी अपर पोर्शन में ये ऑब्लिक रहता है और लोअर पोर्शन में ये वर्टिकल हो जाता है। ये जो लाइन है, इस लाइन को नाम देते हैं, इस लाइन को हम कहेंगे एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। ये हो गए एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, यहां से ये वर्टिकल हो जाएगा और अपर पोर्शन में ये एक बोन को ओरिजिनेट करता है, वो होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। यहां पे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो मसल अटैच रहती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपर फिशियलिस इसका ओरिजिन होता है यहां से, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अब हम आते हैं मीडियल बॉर्डर पे। मीडियल बॉर्डर क्योंकि अल्ना की साइड में होता है, अल्ना अल्ना को फेसिंग करता है, यहां ये अल्ना के साथ आर्टिकुलेट भी होता है, तो ये जो बीच का पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन अल्ना के साथ इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ा रहता है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू ये जुड़ा रहता है, तो इसको हम इंट्रोसियस बॉर्डर भी कह देते हैं। आपने देखा भी है ये बड़ा शार्प बॉर्डर होता है, और एक बॉर्डर इसके पोस्टीरियरली होता है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर भी नॉर्मली हम कहते हैं कि जो इसका शाफ्ट का मिड पोर्शन है वहां पे हमें बहुत क्लियर कट दिखता है, अदरवाइज वो इसी की कॉपी माना जाता है। और जस्ट जैसी एंटीरियर ऑब्लिक लाइन इसमें है, वैसी ही ऑब्लिक लाइन उसमें भी होगी, तो उसको हम नाम देंगे पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन, तो वहां होगी पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। तो इसमें दो ऑब्लिक लाइन हो गई, एंटीरियर पोर्शन पे एंटीरियर ऑब्लिक लाइन और पोस्टीरियर पोर्शन पे पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। एंटीरियर बॉर्डर जाएगा ये स्टाइलॉइड प्रोसेस के पास तक जाएगा, और जो मीडियल बॉर्डर जाएगा वो नीचे ये जो फोसा बना हुआ है इसका, इस साइड में यहां अल्नर नोच होती है, जो हम लोअर पोर्शन पे जाएंगे तब हम बात करेंगे, तो इसका पोस्टीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर बनाएगा ये पीछे जाके, तो ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर बनाएगा। ये आपका हो गया मीडियल बॉर्डर, ये आपका हो गया एंटीरियर बॉर्डर, और एक जस्ट पोस्टीरियर साइड में एक बॉर्डर और होता है, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर इस बॉर्डर से दो अटैचमेंट हमें देखने को मिले, एक मीडियल बॉर्डर से इंट्रोसियस मेम्ब्रेन का और एक एंटीरियर बॉर्डर से फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, तो ये इसका अटैचमेंट है। अब हम इसके बाद आते हैं इसके सर्फेसेस पे, तो इसके जो सर्फेसेस हैं वो भी बॉर्डर की तरह से तीन ही है। सबसे पहला सरफेस इसका हो गया एंटीरियर सरफेस, इसके तीन ही सरफेस हो गए, तीन कौन से, एक एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, दूसरा पोस्टीरियर सरफेस, और तीसरा इसका हो गया लेटरल सरफेस। तो बॉर्डर इसका मीडियल होता है, सरफेस इसमें लेटरल होता है, बाकी एंटीरियर पोस्टीरियर सेम रहेंगे, तो एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस। अब हम सरफेसेस पे जाते हैं, तो हम एक एक सरफेस को लेते हैं। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं एंटीरियर सरफेस को, तो एंटीरियर सरफेस ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा एंटीरियर सरफेस कहलाता है, यानी आपके एंटीरियर बॉर्डर से लेकर के मीडियल बॉर्डर के बीच का जो सरफेस है वो पूरा का पूरा एंटीरियर सरफेस कहलाएगा। हम इस एंटीरियर सरफेस को बोन में देखने की एक बार कोशिश करते हैं कि बोन में ये एंटीरियर सरफेस किस तरीके का दिखता है, फिर हम आते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन पर। ये इसका एंटीरियर सरफेस है, आप देख सकते हैं ये फ्लैट ही है और नीचे की साइड ये ज्यादा
इजीली अपने को दिख सकता है। तो एंटीरियर सरफेस हमने देखा, एंटीरियर सरफेस पे मेनली दो बोन का अटैचमेंट रहता है, इसके अपर 3/4 पोर्शन है, इस पोर्शन पे अटैच रहेगा फ्लेक्सर, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। हमने एंटीरियर पोर्शन पे एंटीरियर सरफेस पे कहा दो बोन का अटैचमेंट रहता है, पहला है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और दूसरा है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो अपर 3/4 पे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन रहता है, इसका क्या होता है ओरिजिन, और प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो है वो लोअर 1/3 पे 1/4 पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस होती है और इसका इंसर्शन होता है, इसका होगा इंसर्ट। तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस इंसर्ट होती है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस ओरिजिन होती है, ये 3/4 एरिया में होती है, ये 1/4 एरिया लोअर 1/4 एरिया में होती है। एंटीरियर सरफेस पे और जो हमें मार्क देखने को मिलता है वो मिलता है न्यूट्रिएंट फोरामेन, ये एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, यहां मिड से थोड़ा सा ऊपर शाफ्ट के एक न्यूट्रिएंट फोरामेन भी हमें एंटीरियर सरफेस में देखने को मिलता है। तो एंटीरियर सरफेस को हम कंक्लूड करते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी से एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट होता है और नीचे स्टाइलोइड प्रोसेस तक जाता है, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच के सरफेस को हमने एंटीरियर सरफेस कहा है, एंटीरियर सरफेस में न्यूट्रिएट फोरामेन होता है, और जो बेसिक चीज देखने वाली होती है वो ये है कि इसमें दो मसल अटैच रहती है, एक अपर 3/4 पे एक लोअर 1/4 पे, अपर 3/4 पे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन होता है और लोअर 1/4 पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस का इंसर्शन होता है। तो ये हमारा हो गया एंटीरियर सरफेस। अब हम बात करेंगे इसके मीडियल लेटरल सरफेस की। तो लेटरल सरफेस में कहां से कहां तक हुआ, लेटरल सरफेस हुआ इसका इस एंटीरियर बॉर्डर से लेकर के और पोस्टीरियर बॉर्डर तक, ये इसका लेटरल सरफेस हुआ। तो एक बार हम लेटरल सरफेस को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लेटरल सरफेस के स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। ये हो गया इसका लेटरल सरफेस। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस की। तो लेटरल सरफेस पे मोस्टली हमें तीन मसल के अटैचमेंट मिलते हैं, जो इसका अपर पोर्शन है वहां पे हमें मिलेगा सुपाइनेटर, सुपाइनेटर से नीचे जो इसका मिड पोर्शन है यहां पे हमें प्रोनेटर टेरेस और जस्ट जो आपका स्टाइलोइड प्रोसेस है उससे ऊपर ब्रेकियो रेडियलिस। ये तीन मसल हमें मिलती हैं और इन तीनों का ही यहां पे इंसर्शन होता है, इन तीनों मसल का क्या होगा इंसर्शन होगा। तो तीन मसल हो गई, सबसे ऊपर सुपानेटर, उससे नीचे प्रोनेटर टेरेस और लास्ट में ब्रेकियो रेडियलिस। तो ये तीनों के तीनों मसल हो गई लेटरल सरफेस के साथ। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस हमने और पोस्टीरियर बॉर्डर दोनों के बीच का जो सरफेस है वो कहलाएगा पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस को एक बार हम देखते हैं उसमें हमें क्या स्ट्रक्चर क्या सरफेस दिखता है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे पोस्टीरियर सरफेस के मसल अटैचमेंट की। ये रेडियस का पोस्टीरियर सरफेस हो गया। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। तो पोस्टीरियर सरफेस में हमने कहा था पोस्टीरियर बॉर्डर ज्यादा हाईलाइटेड होता है मिडल 1/3 में। तो जहां मिडल 1/3 में ज्यादा हाईलाइटेड होता है वहीं के उसी एरिया में हमें एक मसल का अटैचमेंट मिलता है और वो है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये इसके मिडिल 1/3 के पोर्शन में अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और इसका होता है
ओरिजिन, इसका क्या होगा ओरिजिन। इस अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस से थोड़ा लोअर पार्ट जो है मिडिल वन थर्ड का ही, उस लोअर के एरिया में हमें एक मसल और देखने को मिलती है और वो है एक्सटेंसर पॉलिसिस वेरिस, और इस मसल का भी ऑरिजिन होता है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर में हमें दो मसल देखने को मिली मिडिल वन थर्ड में, ऊपर हमें मिली अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और नीचे मिली एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। देखिए मसल के जब हम नाम समझ रहे हैं तो दो चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए, लॉन्गस का मतलब वो लॉन्ग मसल है और ब्रेविस का मतलब वो शॉर्ट मसल है। तो ब्रेविस नॉर्मली बोन के लोअर साइड के करीब रहती है क्योंकि उसका एक्सटेंशन ज्यादा नहीं होता, वो छोटी होती है, तो उसको ब्रेविस बोलते हैं, ब्रेविस का मतलब शॉर्ट। दूसरा आपको अगर पॉलिसिस वर्ड आ जाए तो पॉलिसिस नॉर्मली यूज किया जाता है थंब के लिए, यानी वो मसल कहीं ना कहीं जाकर के थंब के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। तो पॉलिसिस मीन्स थंब से रिलेटेड मसल कोई होगी और ब्रेविस का मतलब शॉर्ट होगी, लॉन्गेस का मतलब वो कंपैरेटिवली उससे लॉन्ग होगी। तो ऊपर के पोर्शन में वन थर्ड में हमें मिला अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस और लोअर वन थर्ड में हमें मिला एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये हमारे सारे सरफेसेस कंप्लीट हो गए शाफ्ट के। तो शाफ्ट में हमने तीन बॉर्डर्स देखे, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, और तीन सरफेसेस देखे हमने, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस। अब हम बात करते हैं लोअर वन थर्ड लोअर एंड की। तो लोअर एंड को जब हम देखते हैं तो लोअर एंड को देखने के साथ लोअर एंड को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके साथ हमें सबसे पहले इसको सरफेसेस में डिवाइड करके स्टडी करना होता है। जैसे हमने यहां पे तीन सरफेसेस देखे शाफ्ट के पोर्शन में, ऐसे ही जब हम लोअर एंड की स्टडी करेंगे तो हम उसको पांच सरफेसेस में डिवाइड करते हैं या पांच सरफेसेस में हम उसको स्टडी करते हैं। पांच सरफेस कौन से हो गए, एक एंटीरियर सरफेस, दूसरा पोस्टीरियर सरफेस, तीसरा लेटरल सरफेस, फोर्थ मीडियल सरफेस और फिफ्थ इंफीरियर सरफेस। तो ये पांच सरफेसेस हो गए जिनके अंदर हम पूरी के पूरे लोअर एंड को स्टडी करते हैं। अब हम एक एक सरफेसेस पे जाएंगे, एक एक सरफेस पे जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीरियर सरफेस की। तो एंटीरियर सरफेस को यहां समझने से पहले एक बार हम एंटीरियर सरफेस का जो लोअर एंड का एंटीरियर सरफेस है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये लोअर एंड का एंटीरियर सरफेस हो गया, बिल्कुल क्लियर हम इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट होता है। तो लोअर एंड के सरफेसेस में एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और इंफीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो शाफ्ट का एंटीरियर सरफेस होता है मोस्टली उसी का कंटिन्यूएशन होता है। और यहां पे जो स्पेशल बात है कि ये जो लोअर पोर्शन है, इस लोअर पोर्शन में हम रेडियल आर्टरी को पैल्पेट करके फील कर सकते हैं, ये इसका लोअर पोर्शन का एंटीरियर सरफेस हो गया। दूसरा बात करते हैं हम इसके मीडियल सरफेस की। मीडियल सरफेस में स्पेसिफिक होता है अल्नर नोच, अल्नर नोच जहां पर हेड ऑफ द अल्ना, आप अल्ना की जब स्टडी करेंगे तो अल्ना का हेड लोअर साइड में होता है, रेडियस का हेड अपर साइड में होता है। तो अल्नर नोच में अल्ना का हेड आता है, वो अल्नर नोच मीडियल साइड में आएगी। लेटरल साइड में, लेटरल जो इसका सरफेस है, लेटरल सरफेस में स्टाइलॉइड प्रोसेस रहता है और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है वो नॉर्मली जो आपका अल्ना में भी एक स्टाइलॉइड प्रोसेस रहेगा लेटरली, तो अल्ना के स्टाइलॉइड प्रोसेस से जो है वो ये लगभग 0.1 सेंटीमीटर बिलो होता है। तो ये इसका लेटरल सरफेस हुआ। पोस्टीरियर सरफेस में, पोस्टीरियर सरफेस में रिच होती है, एक मेन ट्यूबरकल होता है और उस ट्यूबरकल को हम नाम देते हैं डोर्सल ट्यूबरकल, डोर्सल ट्यूबरकल या ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर्स, ट्यूबरकल ऑफ
लिस्टर्स व्यू से बोला जाता है, तो डोर्सल ट्यूबरकल पोस्टीरियर साइड में होता है। अब हम देखते हैं इसका इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस में मेनली इसका आर्टिकुलेशन का एरिया होता है, जहां ये आर्टिकुलेट करता है कार्पल बोन के साथ। तो इंफीरियर सरफेस में आपको आर्टिकुलेशन एरिया मिलेगा, एक ट्रायंगुलर एरिया मिलेगा, एक क्वाड्रेंगुलर एरिया मिलेगा। क्वाड्रेंगल मिलेगा आपको मीडियल साइड में, ट्रायंगुलर एरिया मिलेगा आपको लेटरल साइड में। एक बार इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये इसका मीडियल साइड हो गया, ये इसका लेटरल साइड हो गया। तो ये जो ट्रायंगल एरिया है ये आर्टिकुलेट करता है स्केफोइड बोन के साथ, और ये जो क्वाड्रेंगल एरिया है जो मीडियल साइड में होगा ये आर्टिकुलेट करेगा ल्यूनेट के साथ। तो दो आर्टिकुलेशन एरिया हमें मिल रहे, ट्रायंगुलर स्केफोइड के साथ और क्वाड्रेंगल ल्यूनेट के साथ। तो जो हमारा लोअर एंड है, लोअर एंड के अंदर हमें पांच सरफेसेस मिले, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और इंफीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस हमने कहा था कंटिन्यूटी में आता है जैसा एंटीरियर सरफेस चल रहा है। पोस्टीरियर सरफेस कुछ डिफरेंट होता है, उसमें मेनली वहां से कुछ लिगामेंट्स टेंडन्स पास होते हैं तो कुछ ग्रूव टाइप होती हैं, लेकिन मेनली उसके अंदर एक ट्यूबरकल होता है, एक ट्यूबरसिटी होती है, एक ट्यूबरकल है उसको हमने कहा डोर्सल ट्यूबरकल या लिस्टर्स ट्यूबरकल। और मीडियल साइड में अल्ना का अटैचमेंट के लिए अल्नर नोच होती है, लेटरल साइड में इसके स्केफोइड स्टाइलोइड प्रोसेस होता है, और इंफीरियर साइड में इसके दो एरिया होते हैं जहां ये रिस्ट जॉइंट बनाता है और जहां कार्पल बोन के साथ ये मिलता है, एक ट्रायंगुलर एरिया स्केफोइड बोन के साथ और एक क्वाड्रेंगल एरिया ल्यूनेट बोन के साथ। तो ये इसका इंफीरियर सरफेस हुआ। तो हमने ओवरऑल इसकी पूरी जो स्टडी थी वो हमने देखी, एनाटॉमी देखी। ये लोअर एंड का एंटीरियर सरफेस हो गया, बिल्कुल क्लियर हम इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट होता है, तो ये एंटीरियर सरफेस हो गया। इसके साथ ये इसका पोस्टीरियर सरफेस हो गया, और पोस्टीरियर सरफेस में ये ट्यूबरकल हमें अलग से दिख सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये ट्यूबरकल हो गया, और इसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस में कुछ ग्रूव्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। ये इसका मीडियल सरफेस हो गया, जहाँ हमने कहा अल्ना से अटैचमेंट होता है इसका, तो अल्ना के लिए आर्टिकुलेशन का एरिया हो गया। ये इसका लेटरल सरफेस हो गया, तो लेटरल सरफेस ये नीचे इसका स्टाइलोइड प्रोसेस हमें देख सकते हैं हम, तो ये लेटरल सरफेस इसका हो गया। और अब इसका एक बचता है इन्फीरियर सरफेस, तो ये इसका इन्फीरियर सरफेस हो गया, जहाँ क्वाड्रेंगुलर एरिया और ट्राइंगुलर एरिया दोनों हम देख सकते हैं। तो ये इसके पाँच सर्फेसेस लोअर बॉर्डर के। इस एनाटॉमी को देखने के साथ साथ में एक चीज़ हमें थोड़ा सा और इसको देखना जरूरी है, जब हम रेडियस की स्टडी कर रहे हैं तो मोस्टली रेडियस के अंदर जो फ्रैक्चर्स होते हैं, क्योंकि रेडियस एक ऐसी बोन है जिसमें फ्रैक्चर कॉमन होता है, तो रेडियस में कुछ फ्रैक्चर्स हैं बड़े पॉपुलर हैं और बहुत इजीली हमें देखने को मिल भी जाते हैं। उसमें से कुछ एक फ्रैक्चर्स का हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल करेंगे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। एक फ्रैक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कॉलीज फ्रैक्चर, कॉलीज फ्रैक्चर क्या होता है? नॉर्मली ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है फिफ्टी 55 के अबव की जो एज होती है उस एज में ये फ्रैक्चर होता है, और मोस्ट कॉमन इसका कॉज होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये डिस्टल एंड का फ्रैक्चर है, डिस्टल एंड मीन्स लोअर एंड का, तो लोअर एंड का ये फ्रैक्चर होता है, इसको हम कॉलीज फ्रैक्चर बोलते हैं। कॉलीज फ्रैक्चर होता है नॉर्मली ये जो मेनोपॉजल लेडीज हैं उनको भी होता है,
क्योंकि उस फेज में जाकर के भी ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं उनको बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि अगर हम फ्लेक्स आर्म के साथ नीचे पड़ते हैं, अगर हम ये जमीन पर यूं हमारा हाथ गया, तो यूं हाथ जाने की ये डोर्सल एस्पेक्ट में चला जाएगा, तो यहां पे जो फ्रैक्चर होगा उस फ्रैक्चर को हम क्या बोलेंगे, कोलिस फ्रैक्चर। तो कोलिस फ्रैक्चर डोर्सल साइड का फ्रैक्चर है, इसको नॉर्मली हम डिनर फोक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब ये फ्रैक्चर होता है तो हाथ की पोजीशन ये हो जाती है, यहां से थोड़ा सा उभार आता है, स्वेलिंग आती है, और यहां से ये यूं होकर के यूं हो जाता है, तो इसकी हाथ की जो शेप है वो डिनर फोक की तरह से हो जाती है, तो इसको डिनर फोक भी बोल देते हैं या कोलिस फ्रैक्चर भी बोल देते हैं। अगर यही फ्रैक्चर हम इस तरीके से नहीं गिरने की बजाय अगर पेशेंट इस तरीके से उसका हाथ जाएगा, यानी कि बिल्कुल इसके अपोजिट वेंट्रल साइड में जब उसका हाथ जाएगा, तो वो उसको जो हम बोलेंगे वो हमारा आएगा स्मिथ फ्रैक्चर, उसको हम बोलेंगे स्मिथ फ्रैक्चर। तो अगर इस तरीके से पेशेंट गिरा है तो कोलिस फ्रैक्चर, और अगर इस तरीके से फॉल हुआ है तो उसको होगा स्मिथ फ्रैक्चर। इस स्मिथ फ्रैक्चर को हम रिवर्स कोलिस फ्रैक्चर भी बोल देते हैं। तो ये दो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स हैं, इसमें भी कोलिस फ्रैक्चर सबसे ज्यादा कॉमन मिलता है हमें। तो ये दो फ्रैक्चर्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, और इसके साथ ही आज का हमारा रेडियस का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।